ये दोस्तों देख सकते हैं साइड में मेरा यूट्यूब चैनल है जिसपे दोस्तों अभी के टाइम पे 25,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं लास्ट 28 दिन में। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर मैं चली आपको सबसे पहले लास्ट 90 डेज का एनालिटिक बताता हूँ। दोस्तों लास्ट 90 डेज में यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि मेरे पूरे यूट्यूब चैनल के ऊपर में 2 मिलियन व्यूज आए हैं, जिसको कहते हैं दोस्तों 20 लाख व्यूज आए हैं, जिसके वजह से दोस्तों 82,000 से ज्यादा वॉच टाइम आए हैं। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 15,000 से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स बढ़े हैं और दोस्तों $960 यहाँ पर बने हैं। $960 क्या यहाँ पर मैं कमाया हूँ यूट्यूब से। अब दोस्तों इसको हम चलिए $960 आप लोग समझ नहीं रहे होंगे तो इसको हम इंडियन रुपीज में कन्वर्ट कर देते हैं। इसके लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा दोस्तों, यूट्यूब स्टूडियो से यहाँ पर हम इंडियन रुपीज में कन्वर्ट किए तो जो कि होता है दोस्तों 79,000 के लगभग दोस्तों मैंने मात्र 3 महीने के अंदर कमाया है यूट्यूब से। और ये कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, ये आप भी अर्न कर सकते हैं और आप भी अपना यूट्यूब चैनल खोल सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर यूट्यूब चैनल बनाने के लिए कोई भी क्वालिफिकेशन कोई भी एलिजिबिलिटी की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती है, सिर्फ दोस्तों आपको चाहिए तो थोड़ा मेहनत और पैसेंस। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि आप नया यूट्यूब चैनल बना करके वीडियोज अपलोड कर करके आप कैसे पैसा कमा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों काफी सारे आप सभी लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि हमें बताइए कि हमें नया यूट्यूब चैनल कैसे बनाते हैं, वीडियोज अपलोड कैसे करते हैं, सारा कुछ आप सभी लोगों के इतना ज्यादा कमेंट्स आ रहा था, जिसके बाद दोस्तों मैंने डिसाइड किया कि आप लोगों को भी मुझे बताना चाहिए कि आखिरकार यूट्यूब चैनल बना करके वीडियोज अपलोड कर करके पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आज का ये वीडियो पूरा देख लिए तब दोस्तों मैं आपको कहूंगा कि आप यूट्यूब चैनल बनाने के लिए नंबर 1 हो गए हूँ एकदम। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों मैं आपको जानता हूँ कि आपको कुछ भी नहीं पता है, आपको 0 नॉलेज है, तो दोस्तों 0 से हीरो यह वीडियो आज आपको बना देने वाला है। मैं दोस्तों बिल्कुल 0 से बताऊंगा यार, मैं जानता हूँ कि आपको यूट्यूब के बारे में कुछ नहीं पता है, 0 पता है, तो 0 पता है तो मैं आपको पूरा बनाने का तरीका सही तरीका से आप कैसे यूट्यूब चैनल बनाते हैं ये मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों एक टाइम था जब मैं भी आपकी तरह ही वीडियोस देख रहा था कि यूट्यूब चैनल कैसे बनाते हैं, पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं, और ये कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, ये मात्र और मात्र मैं 1 साल पहले ही सर्च कर रहा था और आप ही के जैसा मैं वीडियोस मोबाइल में देख रहा था। और दोस्तों आज के दिन आप मेरा ये वीडियोस देख रहे हैं वही बात से रिलेटेड कि यूट्यूब चैनल बना करके पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं। सो दोस्तों फाइनली अब हम चलते हैं 0 से स्टार्टिंग करते हैं और मैं अब आपको बताता हूँ कि आप अपने मोबाइल फोन से यूट्यूब चैनल कैसे बना सकते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों नया यूट्यूब चैनल बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक ईमेल आईडी की ज़रूरत पड़ेगा। दोस्तों नया फ्रेश जीमेल आप लोग बना लें, काफ़ी सारे लोग के पास जीमेल बना हुआ रहता है, उसी से चैनल बना लेते हैं, आप उससे भी चैनल बना सकते हैं, लेकिन मेरी सजेशन मानिए भाई साहब, आप एक नया ईमेल आईडी बना करके यूट्यूब चैनल बनाइए। और आपको ईमेल आईडी नया कैसे बनाते हैं आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, जब मैंने कहा कि 0 से मैं आपको सिखाऊंगा तो 0 से ही सिखाऊंगा। मैं आपको सबसे पहले बना देता हूँ नया ईमेल आईडी कैसे बनाते हैं यूट्यूब चैनल के लिए। और दोस्तों काफ़ी कुछ सेटिंग्स भी होता है जो कि आप लोग करते भी नहीं है, आप लोग को सेटिंग भी करना है, नया चैनल में सेटिंग क्या क्या रहता है वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ कि सेटिंग करने के बाद आपको व्यूज कैसे बढ़ाए ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो नया फ्रेश जीमेल अकाउंट बनाने के लिए आपको कहीं नहीं जाना है, सबसे पहले आप अपने मोबाइल में यूट्यूब खोल लीजिएगा, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यूट्यूब खोल लिया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एक प्रोफाइल का ऑप्शन है, यहाँ पर आप लोग क्लिक कीजिएगा। मैंने सारा जितना भी पहले से ईमेल आईडी था उसे रिमूव कर दिया गया है, हालांकि दोस्तों अगर आपका कहीं साइन इन रहेगा तब इस तरीके का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर दोस्तों ऐड अकाउंट लिख कर आएगा, ऐड अकाउंट पे क्लिक करके आप नया बना सकते हैं। वैसे दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है साइन इन, तो साइन इन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ऐड अकाउंट करा है, तो ऐड अकाउंट पे मैं क्लिक करूँगा। ऐड अकाउंट पे दोस्तों यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर चेकिंग इन्फॉर्मेशन होगा, यहाँ पर इन्फॉर्मेशन चेकिंग होने दीजिए, यहाँ पर दोस्तों आप लोग बने रहिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ईमेल आईडी मांग रहा है, ईमेल आईडी तो हम लोग को बनाना है, तो क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कीजिएगा। क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने देख सकते हैं, आपके सामने हो सकता है 2 ऑप्शन आए या फिर 3 ऑप्शन आए, मेरे सामने 3 ऑप्शन आ चुके हैं, फॉर माई सेल्फ या फिर चाइल्ड के लिए या फिर बिजनेस के लिए, तो खुद के लिए बनाना है माई सेल्फ, ठीक है, फॉर माई सेल्फ आप लोग कीजिएगा। यहाँ पर फर्स्ट नेम डालिएगा, चलिए मैं फर्स्ट नेम डाल देता हूँ सन्नी, और यहाँ पर सरनेम में कुमार डाल देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट करिएगा, उसके बाद यहाँ से आप अपना डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा, यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ जो भी होगा आपको डाल दीजिएगा यहाँ पर। उसके बाद यहाँ से आप लोग जेंडर सेलेक्ट करके यहाँ से आप लोग को नेक्स्ट करिएगा, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा क्रिएट अ जीमेल एड्रेस, यहाँ से आप लोग को जीमेल आईडी बनाना है, क्रिएट करना है। आप लोग अपना मन पसंद भी रख सकते हैं या फिर आपके सामने हो सकता है कोई कुछ ऑप्शन भी आ जाए, जैसे कि यहाँ से मैं डालता हूँ SUNNY KUMAR सन्नी कुमार, तो यहाँ पर जब मैं नेक्स्ट करूँगा तो देखिए ये अवेलेबल नहीं है, तो आप लोग को कुछ ऐसा रखना है जो कि अवेलेबल हो तो नेक्स्ट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर मैं कर देता हूँ सन्नी कुमार 2023, उसके बाद SK मैं कर देता हूँ, यहाँ पर दोस्तों मैं नेक्स्ट करता हूँ, ये भी अवेलेबल नहीं है,
दोस्तों यहाँ पर 2023 उसके बाद मैं पी क्यू करता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ, तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं अवेलेबल हो गया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर पासवर्ड बनाना है, पासवर्ड आप लोग को स्ट्रॉन्ग रखना है। जैसे कि मैं यहाँ पर पासवर्ड रख देता हूँ, मान के चलिए कि ACUNNY, उसके बाद @2023, उसके बाद फिर से 2023 में रख देता हूँ। आप लोग को पासवर्ड भी एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग रखना है अपने तरीके से, कैसे पासवर्ड बनाना है मैं यहाँ पर आपको बता दिया हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं SURE ISIM पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर नेक्स्ट कीजिएगा। ईमेल आईडी मेरा नया बन करके तैयार हो गया है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा एक नया जीमेल आईडी बन चुका है, और अब दोस्तों यहाँ पर जीमेल आईडी बन चुका है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं यूट्यूब में साइन इन भी हो चुका है यहाँ पर। अब दोस्तों यहाँ पर चैनल बनाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया प्रोफाइल पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद योर चैनल लिखा हुआ है, यहाँ पर आप लोग को क्लिक करना है। योर चैनल पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर पिक्चर का ऑप्शन आएगा, नेम, यहाँ पर हैंडल का ऑप्शन आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर नेम पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर आपको क्या देना है, चैनल का नेम यहाँ पे पूछा जा रहा है। जो आप चैनल का नाम बनाना चाहते हैं वो चैनल का नाम आप रख सकते हैं। तो चलिए मेरे को रखना है सन्नी PRA प्रजापति, ठीक है। आप लोग को अपना सोच लेना है चैनल के नेम, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो सन्नी प्रजापति मैंने चैनल के नेम रख दिया। उसके बाद यहाँ दोस्तों आपको सेव करना है। सेव करने के बाद यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं ये मेरा हैंडल आ गया। हैंडल का मतलब क्या है कि इस हैंडल से जो भी कोई सर्च करेगा तो मेरा चैनल आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं ये मेरा हैंडल हो गया है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्रिएट चैनल लिखा हुआ है, यहाँ से आप लोग को क्रिएट चैनल पर क्लिक कर देना है। क्रिएट चैनल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं मेरा यूट्यूब चैनल बन करके हो गया तैयार। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अभी दोस्तों यहाँ पर चैनल 10% भी नहीं बना है, अभी काफ़ी सारा ऐसा सेटिंग्स है जो कि आप लोग को करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं योर चैनल पे जाता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं अभी 9 सब्सक्राइबर्स हैं। अब दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर जो पेंसिल वाला आइकॉन दिख रहा है ना, यहाँ पर आप लोग को क्लिक करना है। पेंसिल वाला आइकॉन पे क्लिक करने के बाद अभी यहाँ पर काफ़ी कुछ सेटिंग करना है। जैसे कि यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर प्रोफाइल पिक्चर को सेव करना है। प्रोफाइल पिक्चर सेव करने के लिए यहाँ पर आपको गैलरी में जाना है, यहाँ पर दोस्तों अलाउ करना है। गैलरी में जाने के बाद यहाँ पर दोस्तों आप लोग को कोई भी एक प्रोफाइल पिक्चर जो है सेलेक्ट करना है। सामने जो फोटो होगा आपके डिवाइस में वो फोटो दिखा जाएगा। आप लोग जो भी बनाना प्रोफाइल में रखना चाहें अपना प्रोफाइल पिक्चर वो रख सकते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ से देख सकते हैं मैं ये सिलेक्ट कर लिया हूँ अपना यहाँ पर प्रोफाइल में, यहाँ पर इसको मैं सेव कर लिया हूँ। तो ये मेरा हो गया प्रोफाइल पिक्चर यूट्यूब चैनल का। और यहाँ पर पीछे आप लोग देख सकते हैं बैनर, ये बैनर भी आप लोग यहीं से चेंज कर सकते हैं। तो इस पर क्लिक करना है, यहाँ पर चूज प्रोफाइल फोटो पर क्लिक करना है। और आप लोग पहले से बैनर बनाना एक अलग में वीडियोज़ बनाऊंगा कि आप लोग को पीछे बैनर किस तरीके का कहते हैं। ये दोस्तों देख सकते हैं मेरा ये यूट्यूब चैनल है, इसको हम लोग कहते हैं बैनर। और आगे जो देख रहे हैं इसको हम लोग कहते हैं प्रोफाइल पिक्चर। तो बैनर में चलिए हम लोग यहाँ पर लगा लेते हैं ये मैं आपको डेमो बता रहा हूँ। चलिए हम बैनर में ये यूट्यूब का ही एक लोगो लगा लिए हैं। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर हम सेव कर देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि मेरा जो है बैनर भी बन के तैयार हो गया है। तो अभी मैंने यहाँ पर दो ही सेटिंग किया है, अभी काफ़ी कुछ सेटिंग करना बाकी है दोस्तों। तो चलिए मेरा ये दोनों तैयार हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है, डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आप लोग को अब क्या लिखना है, आपको अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन देना है, चैनल किस कैटेगरी में है, क्या चीज़ के बारे में बनाना चाहते हैं यहाँ पर थोड़ा सा लिखना है। जैसे कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं मेरा यूट्यूब चैनल का डिस्क्रिप्शन क्या है। यहाँ पर दोस्तों जब आप यहाँ पर मेरे चैनल पे जाइएगा, अबाउट में जाइएगा, तब दोस्तों यहाँ पर जो देख सकते हैं लिखा हुआ है, यह है मेरा यूट्यूब चैनल का डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पर इसी तरीके से लिख दीजिएगा, हाई आई एम एस सन्नी प्रजापति। यहाँ पर आप लोग को जो भी लिखना है वहाँ पर आप लोग लिख दीजिएगा कि मैं इस वीडियो में मतलब मैं अपने चैनल पर क्या बताने वाला हूँ। उसका दोस्तों यहाँ पर आप लोग सेव कीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर सेव कर लेने के बाद इस तरीके से आपका यहाँ पर डिस्क्रिप्शन भी तैयार हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, अब आपको बैक आ जाना है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि आपने अबाउट में भी लिख दिया है, यहाँ पर जो भी है आपका चैनल भी बन के रेडी हो गया, आपने प्रोफाइल पिक्चर भी यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं लगा लिया है, और आप बैनर भी लगा चुके हैं। अब आप लोग को क्या करना है कि अभी YouTube और काफ़ी सारा सेटिंग्स करना है। तो वो सारा काम करने के लिए अब आप YouTube ऐप के अंदर में नहीं कर सकते हैं, आपको मोबाइल के अंदर में Google Chrome होगा, Google Chrome के ही अंदर में अब सारा कुछ आपको करना पड़ेगा। जैसे ही आप यहाँ पर Google Chrome खोलिएगा, तब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने इसी से यहाँ से कंटिन्यू करूँगा, यहाँ से SIM पे क्लिक करूँगा। मतलब कि आपको गूगल पे क्या करना है कि जो ईमेल आईडी आप लॉगिन किए हों वही ईमेल आईडी से यहाँ पर आप साइन इन कर दीजिएगा, और यहाँ पे आप लोग डेस्कटॉप मोड में ऑन कर लीजिएगा, ताकि यहाँ पर आप लोग जैसा लैपटॉप में कर रहे हैं वैसी तरीके का मोबाइल में आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पर आप लोग को क्या सर्च करना है, यूट्यूब, यहाँ पर आप लोग को सर्च कर देना है यूट्यूब, यहाँ पर आप लोग सर्च कीजिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं यूट्यूब, यहाँ पर आप गूगल क्रोम में लॉगिन हो जाइएगा। लेकिन कभी सारे लोगों को प्रॉब्लम क्या होता है कि जैसे ही वो गूगल में आते हैं तो यहाँ पर आप अपना यूट्यूब ऐप में आ जाते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पर YouTube Studio यहाँ पर आपको लिखना है, क्या लिखना है, YouTube Studio Login। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं YouTube Studio डेस्कटॉप यहाँ पर लिखिएगा, तब दोस्तों यहाँ पर जो साइन इन होगा आपका वो
अब अनदर आप में यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कंटिन्यू टू स्टूडियो, जब यहाँ पर आप टिपिएगा तब यहाँ पर दोस्तों आपके सामने अनदर ऐप यूट्यूब के ऐप में नहीं जाएगा, यहाँ पर गूगल क्रोम में ही लॉगिन होगा। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं गूगल क्रोम में मेरा लॉगिन हो गया है। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि मैं अपने यूट्यूब स्टूडियो में आ गया हूँ। फाइनली यहाँ पर दोस्तों 0 सब्सक्राइबर्स है और दोस्तों यहाँ पर मेरे को काफ़ी कुछ सेटिंग करना है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर मैं मोनेटाइजेशन वाला पे क्लिक करता हूँ, इसको कहते हैं, तब दोस्तों यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि अभी आपको क्या करना है अर्निंग करने के लिए। यहाँ पर कम से कम आपको 1000 सब्सक्राइबर्स करना है, या फिर दोस्तों आपको लॉन्ग वीडियो पे 4000 घंटे का वॉच टाइम, या फिर शॉर्ट पे आपको 90 दिन के अंदर में 10 मिलियन व्यूज कंप्लीट करने होंगे, तब दोस्तों यहाँ पर आप लोग अर्न कर सकते हैं यूट्यूब से। दोस्तों ये तो आपको मैं बाद में बताऊँगा, सबसे पहले यूट्यूब को सेटिंग के बारे में बता देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर सेटिंग करने के लिए क्या कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं यूट्यूब डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। तब दोस्तों यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पर आप लोग जब आइएगा तब यहाँ पर नीचे देख सकते हैं, यहाँ पर इस तरीके से क्लिक कीजिएगा तब यहाँ पर नीचे आपको सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा। सबसे नीचे साइड में यहाँ पर दोस्तों देखिए सेटिंग का, तो दोस्तों आप लोग सेटिंग पे क्लिक कीजिएगा। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, तब दोस्तों यहाँ से आपको काफ़ी कुछ सेटिंग करना है। यहाँ पर मेन चीज़ यहाँ पर रहेगा। अब दोस्तों यहाँ पर सेटिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर चैनल पर जाइएगा। चैनल पर जाने के बाद आपको यहाँ पर जैसे कि मान के चलिए मेरा कोई चैनल का नाम लिखेगा, आप लिखिए सन्नी श्रेष्ठ, तब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं मेरा फर्स्ट में ही आ चुका है। लेकिन अगर आप अपना अभी चैनल का नेम लिखिएगा तब दोस्तों यहाँ पर आपका जब नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि चैनल का नाम लाने के लिए यूट्यूब सर्च में हमको क्या करना पड़ता है। तो इसके लिए सबसे पहले आप यहाँ पर जाइएगा, कहाँ पे, चैनल पे जाइएगा, और यहाँ पर जो कीबोर्ड लिखा हुआ है ना, यहाँ पर आप लोग चैनल का जो नाम है यहाँ पर आप लोग उसी से रिलेटेड कीबोर्ड लग दीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर सन्नी PRAJAPATI सन्नी प्रजापति लिखा हुआ है, तो पहले फुल यहाँ पर इसको लिख देते हैं। पहले फुल नाम लिखिएगा जो चैनल का नाम है, जैसे कि SUNNY सन्नी PRAJAPATI सन्नी प्रजापति, उसके बाद दोस्तों ओके कर दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर SUNNY उसके बाद ओके करिएगा, फिर PRAJAPATI ओके करिएगा, उसके बाद PRAJAPATI प्रजापति सन्नी, कुछ इस तरीके से आप लोग जितना कीबोर्ड लिख सकते हैं अपने चैनल के नाम से रिलेटेड वो सारा लिख दीजिएगा। और यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं अगर आपका टेक्निकल चैनल है तो TECHNL टेक्निकल ओके करिएगा। उसके बाद कुछ स्पेलिंग मिस्टेक यहाँ पर भी लिख सकते हैं, जैसे कि कोई सर्च करेगा SUNNY PRAJAPATI ये भी आ जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पर ये भी आप लोग कर सकते हैं, यहाँ पर लिख दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो सेव का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर आप लोग सेव कर दीजिएगा। अब दोस्तों आपका चैनल सर्च लिस्ट में भी आने लगेगा। और हाँ दोस्तों, ये तो मैंने आपको कीवर्ड ऐड करने के लिए बताया कि जब भी आप कीवर्ड ऐड कर दीजिएगा तो इससे होगा क्या कि आपका जो यूट्यूब चैनल का नाम सर्च करेगा यूट्यूब पर तो आपका पहला नंबर पर रैंक करेगा। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि इसके ऊपर है रेसिडेंस, यहां पर दोस्तों यहां पर आपको किस राज्य में रहते, यहां पर दोस्तों आप किस कंट्री में रहते हैं वो भी आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तभी तो आप जब वीडियोज़ अपलोड करिएगा तो यूट्यूब को मालूम रहेगा कि अच्छा ये कंट्री से वीडियो अपलोड हो रही है तो हमको यही कंट्री में दिखाना है, मतलब कि इसी कंट्री में आपका वीडियो ज़्यादा दिखेगा। हालांकि दोस्तों कहीं और दिख सकता है, लेकिन दोस्तों काफ़ी सारी ये सेटिंग्स लोग ऑन ही नहीं करते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर कंट्री ऑफ रेसिडेंस पर जब आप क्लिक कीजिएगा तब दोस्तों आप जो भी कंट्री से हैं वो कंट्री यहाँ पर दोस्तों सेलेक्ट कर लें। जैसे कि मैं इंडिया से हूँ तो इंडिया यहाँ पर सेलेक्ट करके सेव कर लें। अब दोस्तों होगा क्या, जब भी आप यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करेगा तब आपका वीडियो सही लोगों के पास जाएगा। दोस्तों ये बहुत ही जाना जरूरी है, अगर आपका वीडियो सही लोगों के पास जाएगा, इंडिया में ज्यादातर लोग देखेंगे, तब दोस्तों यहाँ पर आपका चैनल ग्रो बहुत जल्दी होगा। उसके बाद दोस्तों फिर से आपको और सेटिंग करने के लिए यहाँ पर आपको सेटिंग पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर चैनल पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर फ्यूचर एलिजिबिलिटी पे आना है। फ्यूचर एलिजिबिलिटी पे यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि अभी मेरा एक ही चीज इनेबल्ड है, आप लोग को ये दोनों चीज इनेबल्ड करना पड़ेगा, सबसे जरूरी चीज है। दोस्तों यहाँ पर इनेबल्ड करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले आपको एक फोन वेरीफाई फोन नंबर करना पड़ेगा। अब इसे होगा क्या, जैसे ही वेरीफाई फोन नंबर क्लिक कीजिएगा तो आपके तीन फायदे हो जाएंगे। सबसे बड़ा फायदा कि आप लॉन्ग वीडियो 15 मिनट से ज्यादा का अपलोड कर सकते हैं। दूसरा फायदा, आप लोग कस्टमर थंबनेल लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं मेरा एक वीडियो है, ये थंबनेल अपने आप नहीं आया है, मैंने लगाया है तब आया है। और तीसरा है, आप अपने यूट्यूब चैनल पर लाइव स्ट्रीमिंग भी कर सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पर वेरीफाई फोन नंबर पर क्लिक कीजिएगा। इसके लिए दोस्तों यहाँ पर गेट कोड पर क्लिक कीजिएगा। गेट कोड पर क्लिक करने के बाद आपके सामने अपना मोबाइल नंबर जो डाले हैं उस पर एक OTP जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आपको OTP एक कोड लिखना है। OTP यहाँ पर दोस्तों कोड लिखने के बाद यहाँ पर आपको सबमिट पे क्लिक करना है। दोस्तों सबमिट फोन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि आपका YouTube चैनल है वो वेरीफाई हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। दोस्तों सबमिट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि फोन नंबर वेरीफाइड हो चुका है। कांग्रेचुलेशन, योर फोन नंबर हैज बीन वेरीफाइड। अब दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ से आपको बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ये भी मेरा सेकेंड स्टेप जो था ये इनेबल हो चुका है।
चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर थर्ड स्टेप इनेबल कर दीजिएगा, तब दोस्तों आपको एडवांस फ्यूचर मिल जाएगा। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप लोग इनेबल करने के लिए यहाँ एडवांस सेटिंग ऑन करने के लिए यहाँ पर एक्सेस पे क्लिक कीजिएगा। एक्सेस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपके सामने तीन तरह का ऑप्शन आएगा, मतलब कि तीन तरीके से आप यहाँ पर इस तीसरा सेटिंग को एडवांस सेटिंग को ऑन कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहला वीडियो के माध्यम से आपका एक वीडियो कैप्चर होगा छोटा सा, उसके माध्यम से। और दोस्तों यहाँ पर दूसरा गवर्नमेंट आईडी से आपका जो भी है पैन कार्ड आधार कार्ड ये आईडी से कर सकते हैं। और तीसरा दोस्तों आप कर सकते हैं यहाँ पर यूट्यूब चैनल को ग्रो करके कम्युनिटी बिल्ड करके। तो दोस्तों मैं आपको सबसे बेस्ट तरीका बताने वाला हूँ यहाँ पर तीसरा ऑप्शन। दोस्तों अगर आप लोग जल्दी में हैं कि जल्दी में हमको वीडियो ये सारा तीसरा ऑप्शन भी ऑन हो जाए, तब दोस्तों आप खुद से भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं प्रेफरेंस करूँगा कि आप तीसरा ऑप्शन से यहाँ पर सेलेक्ट करें, यहाँ पर दोस्तों लास्ट वाला ऑप्शन चुनें, बोल्ड चैनल हिस्ट्री इस पर क्लिक करके यहाँ पर दोस्तों ओके पे क्लिक कर दें। अब दोस्तों यहाँ पर क्लिक करने से आपका होगा क्या कि मान के चलिए आपने यूट्यूब चैनल बना लिया, सारा सेटिंग्स ऑन कर लिया, अभी कुछ और भी सेटिंग है मैं आपको वो बताऊँगा। तो दोस्तों जैसे ही आप वीडियोज अपलोड करिएगा, टाइम टू टाइम आपके व्यूज बढ़ेंगे, सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे। उसके बाद दोस्तों जब आप देखिएगा एक या फिर दो महीने के बाद, तो ये आपका ऑटोमेटिक जो तीसरा वाला एडवांस फ्यूचर है ये आपका इनेबल्ड ऑन हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ भी करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब दोस्तों आपको फाइनल काम हो चुका है। अब मैंने दोस्तों यूट्यूब का सारा सेटिंग्स बता दिया है, इसके अलावा यूट्यूब पे अब कोई और सेटिंग्स नहीं है व्यूज बढ़ाने का, चाहे कुछ भी और करने का तरीका। अब दोस्तों मैं आपको बात करने वाला हूँ कि आपका चैनल बन करके हो गया है तैयार, अब आप यूट्यूब पे वीडियोज अपलोड कर सकते हैं और उससे अर्न कर सकते हैं। दोस्तों अर्निंग करने के लिए यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर जब आप अर्न पे क्लिक कीजिएगा यहाँ पर, तब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है अर्न ऑन यूट्यूब। यूट्यूब से अगर आप अर्न करना चाहते हैं मनी, तब दोस्तों यहाँ पर नीचे दिए गए हैं, यहाँ पर आपको पूरे करने होंगे 1000 सब्सक्राइबर्स, तभी आप इस पैसे कमा पाइएगा, ऐसे नहीं कमाइएगा। तो यहाँ पर आपको कम से कम 1000 सब्सक्राइबर्स करने होंगे और उसके साथ साथ आपको 4000 घंटा वॉच टाइम भी करना होगा पिछले एक साल के अंदर में लॉन्ग वीडियो से। अब अगर लॉन्ग वीडियोस नहीं आप लोग डालते हैं, शॉर्ट बनाना चाहते हैं, तो शॉर्ट वीडियो में कम से कम आपको 3 महीना के अंदर में 10 मिलियन व्यूज यानी कि 1 करोड़ व्यूज मतलब कि आपको करना होगा, तो ही आप जो है मोनेटाइजेशन कर पाएंगे और पैसे कमा सकते हैं। दोस्तों सब्सक्राइबर्स और ये व्यूज बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, बस आपको क्या करना है कंसिस्टेंसी के साथ वीडियोज अपलोड करते जाना है। और दोस्तों यहाँ पर अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम्स आता है कि अभी यूट्यूब पे वीडियोज अपलोड करें कैसे। तो दोस्तों मैं अब आपको पार्ट टू में बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप कि यूट्यूब पे वीडियोज अपलोड करते वक्त काफ़ी सारा सेटिंग रहता है, वो सेटिंग्स भी मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों बस आप लोग उम्मीद करिए कि मेरा जल्दी से जल्दी पार्ट टू आए। अगर दोस्तों इस वीडियो का प्रेफरेंस काफ़ी अच्छा रहा, तब दोस्तों मैं जल्द ही पार्ट टू इसके ऊपर लाऊंगा कि यूट्यूब पे वीडियोज अपलोड करते वक्त हमें कौन कौन सेटिंग करना चाहिए, कौन कौन सेटिंग नहीं करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों जितना मैटर यूट्यूब चैनल बना करके सेटिंग ऑन करना होता है, उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूट्यूब वीडियोज अपलोड करते टाइम क्या क्या आपको सेटिंग्स ऑन रखना है, क्या क्या आपको सेटिंग्स ऑफ रखना है, कैसे टाइटल डालने हैं, कैसे डिस्क्रिप्शन डालने हैं, कैसे टेक्स्ट डालने हैं, काफ़ी सारा चीज़ मैटर करता है। तो दोस्तों ये मैं आपको पार्ट टू में सिखाने वाला हूँ, अगर इस वीडियो का प्रेफरेंस अच्छा रहा तो दोस्तों इस वीडियो को अगर आप नए हैं तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। उम्मीद है दोस्तों आज का ये वीडियो देखने के बाद आप एक नए तरीके से यूट्यूब चैनल बना करके सारा सेटिंग्स ऑन कर लिए होंगे, और अब भी आप मैं चाहता हूँ कि यूट्यूब पे वीडियोज अपलोड करें और हो सके तो आप मेहनत करें और अर्न पैसे कर सकें। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आप लोग को काफ़ी पसंद आया है। अगर दोस्तों आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर ना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग भर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।